वेलकम बैक। और हमारे साथ बड़ी लवली मेहमान आज मौजूद हैं, जिनको आप उनकी फील्ड्स में, उनके ग्राउंड्स में देखते हैं खेलते हुए। हमारे साथ क्रिकेटर हैं, हमारे साथ बॉक्सर हैं, हमारे साथ हॉकी प्लेयर हैं, टाइकोंडो चैम्पियन हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है रुखसार राशिद ने, जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, और रुखसार की एंट्री बहुत मज़ेदार थी। मैं तो चाहती थी ऑनलाइन एंट्री कराते, लेकिन खैर। तो इंजरी हुई कहाँ है और क्या हुआ? असल में मेरा स्कूल के आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर आल्सो इन द स्कूल, तो मेरे बच्चों का इवेंट था, उसमें टीम की भी पार्टिसिपेशन थी और स्टाफ की भी थी। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने, हमारे नेशनल कोचिंग सेंटर में ही था एथलेटिक इवेंट, तो आई वाज अ एथलीट, नाउ आई एम ओनली अ फुटबॉलर, सो आई वाज नॉट ऑन प्रैक्टिस। तो एक प्लेयर का जोश होता है ना कि आपने पुराने इवेंट देखे कि बस मैंने भी करना है, मैं तो फिट हूँ इसके लिए, तो आई वाज नॉट फिट फॉर दैट। और मैंने वो लॉन्ग जंप ट्राई कर लिया, और जब मैंने लॉन्ग जंप किया तो ऑफकोर्स आई वॉज नॉट फिट, वो जो पूरा मेरा वेट था ना, मेरा लेफ्ट नी पे आ गया। तो जब मैंने लैंडिंग की तो वो मेरा लेफ्ट नी वैसे वैसे रह गया, तो फिर एक पॉपिंग साउंड की आवाज़ आई और बस मैं आई कुडंट गेट अप। तो वहाँ से फिर लोग आए, मुझे लेके गए, फिर हॉस्पिटल हम पहुँचे तो उन्होंने बताया कि जी आपका तो एसीएल लिगामेंट टियर हो गया है, तो अब तो यही है कि आप इसकी सर्जरी कराएं। मगर आप लोग बड़े बाहिम्मत हैं भाई, इतने आराम से लोग बात करते हैं ना, यूँ सर्जरी हो गई थी, इंजरी हो गई थी, बस फिर मैंने यूँ कर दिया। बड़ा माशाल्लाह हिम्मत है, हो भी गई है। हाँ, वो करना पड़ेगा, ये एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट होता है वो। हाँ। अभी इनको आप हैरत है, आइए चल के कैसे आ गए, इसमें भी इनकी बड़ी हिम्मत है। हाँ, और उस पर भी वो मुझे चैलेंज कर रही थी, ऑन एयर चलवा ले, मैं तो सही चलूंगी। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। हाँ, नहीं बड़ी अच्छी बात है भाई, इसी तरह, इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्स से आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको वो एज अ इंसान भी बहुत स्ट्रांग बनाती है और बहुत कुछ सिखाती है। स्टोरी क्या है रुखसार आपकी? बस स्पोर्ट्स का तो पहले से ही शौक था। घर में भाई के साथ साइकिलिंग हो रही है जी, यहाँ खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, मम्मी बुलाती रहती हैं, आ जाओ ऊपर, आ जाओ बस, आ जाओ, रुकसा नहीं करो, नहीं करो। तो वो स्पोर्ट्स स्कूल लेवल में तो मुझे चांस नहीं मिला था, बिकॉज देयर वाज नो स्पोर्ट्स माई स्कूल। तो व्हेन आई वेंट टू माई कॉलेज लाइफ, वहाँ पर मुझे एक्सप्लोजर मिला कि हाँ जी, हाँ विमेंस की भी टीम होती है, लड़कियाँ भी प्रोफेशनली खेलती हैं वहाँ। उससे पहले मुझे नहीं था कि लड़कियाँ भी खेलती हैं। तो वहाँ पे मैं कॉलेज में एंटर हुई, खेलते खेलते दो साल मैंने कॉलेज में ही किए। पहले फर्स्ट माय फादर डिडंट अलाउ मी टू गो आउट ऑफ सिटी, सो ही सेड के आप जी खेलना है ना, आपने शौक है तो आप यहीं तक खेलो, अपने सिटी में खेलो, मैडम के साथ जाना है, जाओ आओ, ठीक है। तो इस तरह मेरी वहाँ से स्पोर्ट्स की एंट्री स्टार्ट हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इधर फ्रेंड ने बताया कि ये गेम्स हो रहे हैं, वॉलीबॉल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, थ्रो बॉल हो रहा है, तो वहाँ से मेरी ये स्पोर्ट्स हिस्ट्री स्टार्ट हुई। फिर एक दफ़ा सीन के फुटबॉल ट्रायल आउट थे, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि फुटबॉल के ट्रायल आउट ने साथ देना है ट्रायल आउट। मैंने कहा ठीक है देते हैं, सही, इट्स फन, खेलते हैं। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है सिलेक्शन हुई थी, तो मैंने ट्रायल आउट दिया, तो मिस आदिया वॉज देयर, शी इज़ अ चेयरपर्सन ऑफ सिंध फुटबॉल एसोसिएशन। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे सिंध टीम के लिए सिलेक्ट किया, एंड शी गेव मी ऑफर टू ज्वाइन हर क्लब। और जी, और उनका जो क्लब है वो माशाल्लाह नंबर वन नॉन क्लब है पाकिस्तान का, दिया वुमेन फुटबॉल क्लब। ओके। तो आई फील वेरी प्राउड एट दैट टाइम। तो उस वक्त में कोई खुशी की कोई वो थी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम आए, आपने ट्रायल आउट दे दिया और इतने बड़े क्लब से आपको ऑफर आ गई। तो मैंने बस फौरन से कह दिया जी 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 बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट का आया, हम उसे साइन ले लें, मिस आ दिया। तो कहती हाँ मैं दे दूँगी दे दूँगी। फिर लेकिन शुरू में काफ़ी हर्डल्स भी आए, फैमिली सपोर्ट की तरफ से भी, शुरू में पूरी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं थी। फिर जाहिर है फिर फादर मिले मेरी, मिस सादिया से उन्होंने बात किया, पूरी मीटिंग हुई। तो इस तरह से फिर मेरी फुटबॉल जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर आई स्टिक टू इट, आई एम स्टिल प्लेइंग एज अ फुटबॉलर नाउ। अच्छा भाई, फैमिली को तो टैकल करना फिर भी आसान हो जाता है ना, कोई नाराज भी हो गया तो आपने मना लिया या बेयर कर लिया। लेकिन जो प्रोफेशनली आप, जिस तरह आप सब बता रहे थे अभी, थोड़ी थोड़ी बात आप लोगों ने की, मैं चाहती हूँ उसे एलैबोरेट करें, पॉलिटिक्स कितनी होती है और रवैये लोगों के कैसे होते हैं, और हमारे पास क्या इतना सेट अरेंजमेंट है कि लड़कियों के बाकी मसाइल, चाहे वो पर्सनल हों, चाहे वो उनके एजुकेशनल हों, उसको फिर उनके प्रोफेशन के सामने रखते हुए लोग आपकी मदद करें? पॉलिटिक्स तो हर जगह है वैसे तो, लेकिन ये कि उसकी मैनेजमेंट जो है स्पोर्ट्स में थोड़ी सी कम है, और लेकिन ये कि वुमेन क्रिकेट में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो पॉलिटिक्स आप ऊपर के लेवल पे होती है वो दिखाई दे जाती है, उसको कंट्रोलेबल होती है, क्योंकि मीडिया एक्टिव होता है, आपका सोशल मीडिया एक्टिव होता है, राइट। उसमें पॉलिटिक्स उस नोयत की नहीं हो पाती है। जो असल जो आप पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहिए आपको, वो ग्रास रूट लेवल पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, तो क्योंकि वहीं से टैलेंट आ रहा है, अगर वहीं पे स्टॉप हो जाए आपका टैलेंट आगे नहीं आ पाता। वहाँ कैसी पॉलिटिक्स होती है, यानी हर फील्ड की अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है ना, तो कैसी, क्रिकेट में अगर हम बात करें कैसी होती है वो?
बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे होती है, रीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है कि फेवरेटिज्म थोड़ी बहुत होती है. ऑफ कोर्स वो तो उसको मैं डिनाई नहीं करूँगी क्योंकि वो जाती होगी डिनाई करना. मैंने ऐसा सुना है और मैंने देखा भी है रीजनल लेवल पे. जैसे मैं अभी कराची की बात करूँगी, आई डोंट केयर अबाउट लाहौर और वैसा, कराची की मैं हूँ तो वो कहूँगी. लेकिन हाँ, एक ख़ास टोला बन जाता है कभी कभार, ऐसा होता है. और वो फिर ये होता है कि चमचा गिरी आप करें तो आप आगे, ना करें तो आप. अब बिल्कुल है, ये ज्यादा लड़कियां करती हैं कि बहुत टीचर्स के पीछे पड़ जाती हैं बिल्कुल. और टीचर्स के बहकावा जैसे बोलते हैं ना, जो नहीं करते वो चीज़ भी सामने आ रही होती है. तो बात है, इसलिए बोलते हैं अपने राज अपने पास रखो, किसी से शेयर ना करो बिल्कुल अपने. तो इन चीज़ों से अभी हमारे हॉकी में भी होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स देते हैं कि कैंप वगैरह बहुत कम लगा रहे हैं वो. मैं चाहती थी कि वो ज़्यादा कैंप लगाएं क्योंकि दो दिन ट्रायल देते हैं और लेते हैं, और जो लड़कियाँ उनकी होती है वो ज़्यादातर अपनी लड़कियों को करते हैं. अच्छा, तो हमें बहुत टफ ट्रायल हो जाता है वो दिन, एक्सरसाइज वगैरह सारे दो दिन में. तो इस तरह मैं चाहती हूँ कैंप लगाएं कि छः महीने पहले कैंप प्रॉपर हो, मैटर. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फिर पढ़ाई आ जाती है, फिर बच्चे यहाँ निकलने, फिर सुबह से जाना और आना, बहुत सारी चीज़ें मुश्किलें आ जाती हैं. जी कुरतुलैन, आपको कोई ऐसी हार्डशिप फेस करनी पड़ी? बस मैं बस मुझे यही लगन थे कि मुझे खेलनी है, बताओ कैसे भी खेलनी. और बस कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, कोई पॉलिटिक्स की तरफ तवज्जो ही नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए मुझे, बस प्लेयर खेलना है, बस मैंने आगे निकलना है, बस मुझे आगे. तो लोगों ने रोकने की कोशिश की कि कभी तुम्हें लगा होगी ये देखो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गलत मशवरा दे रहे हैं? ये चाहा बहुत लोगों ने चाहा, लेकिन बस मंजिल आसान, नियत साफ, मंजिल आसान, मंजिल आसान. आप बताएं भाई, आपकी तो फैमिली की सपोर्ट बहुत रही, लेकिन क्या प्रोफेशनली जो मोहल्ले वाले और रिश्तेदार होते हैं उनको तो पहले अपनी टांग अड़ानी होती है. वो जब टांग अड़ा लेते हैं तभी हम लोग तो कामयाब होते हैं, तभी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हम खेलते हैं. तो इनको तो पहले टांग अड़ानी होती है, तो वो भले अपनी पूरी कोशिश करे लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. और सबसे बड़ी सपोर्ट ये होती है कि फैमिली की सपोर्ट होना लाजमी है. अगर फैमिली की सपोर्ट होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम नेशनल लेवल पे खेलें, इंटरनेशनल लेवल पे खेलें, चाहे अपना मुंह तोड़वाएं, चाहे जीतें चाहे हारें, क्योंकि फैमिली पूरा सपोर्ट कर रही है. चाहे अगर मोहल्ले वाले कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी बात करते हैं, तो लेकिन क्योंकि अगर मैं किसी को फेस करूँगी, किसी से बात करूँगी कि नहीं मैं खेल रही हूँ, मेरा मसला है, आप लोगों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है. अगर सिर्फ मैं बोलूँगी तो अगर मेरे साथ मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करेगी, उनको फेस तो करेगी, तो कुछ कोई कुछ नहीं बोलता. और बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा इजी है. तुमने कैसे किया हमें भी बताओ, हमारी भी. और जब मैं ये स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं बॉक्सिंग खेल रही हूँ, मेरी 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है सुबह भी और शाम भी. जब मैं बॉक्सिंग के लिए जाती हूँ, अभी तक मैंने ना नेशनल लेवल पे मैंने खेला ना इंटरनेशनल लेवल पे, जब मैं खेल भी खेल रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बड़े इवेंट पे खेलूँ, तब भी लोग गलत ही बातें कर रहे हैं कि ये भी जाएगी बॉक्सिंग करेगी फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. और जब मैं खेल जाऊंगी तब भी उनका तभी वो कुछ और बोलेंगे, भाई देखो ये वही है ना, मैं जो हमने जिसको बोला था, इस तरह की वो बातें करेंगे. और वो उनकी जैसे पहले भी वो बातें ही करते रहेंगे, और जब मैं कुछ बन जाऊंगी तभी भी वो बातें करेंगे. और वो जितनी भी बातें करते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला. हां, उससे आप मोटिवेटेड होते हैं. जी, कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? आयजा जी, जी फरमाइए जी. मुझे मिली हुई मसलाना था. क्या करना था? ओहो, वाह वाह, सारी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, क्या बात है. अच्छा आयजा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक ब्रेक पे हमें जाना है. और आप इसी तरह का वीडियो मैसेज नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, वापस आके भी ब्रेक से मैं बता दूंगी, आप उस नंबर पे अपना वीडियो मैसेज भेजें ताकि हम आपकी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को आपका मैसेज सुनवा सकें और दिखा सकें. आफ्टर दिस ब्रेक. वेलकम बैक, बड़ी मज़ेदार हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे. हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है इस वक्त. अस्सलाम वालेकुम. ओह कॉलर नहीं है.
अच्छा तो भाई इनके साथ मैं इन शॉर्ट करके बताती हूँ थोड़ा सेंसर करके कि ये कहीं गई थी घूमने और सीवीयू गई थी और वहाँ पर कुछ लोग आए और इनसे स्नैच करने लगे जो गोल्ड का सामान इन्होंने पहना हुआ था, तो इन्होंने उनकी उनके हाथ में जो पिस्टल थी उसे खींचा तो वो टूट गई क्योंकि वो प्लास्टिक की थी है ना yes. और फिर तुमने उसके साथ एक और चीज़ जो की वो बताओ। वो मैंने फाइट की के साथ मैंने फाइट की, फिर मैंने एक पंच मारा उनके बैक पे। अच्छा जी, तो मैंने कहा नहीं आप क्या, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगी, मैं तो भी इससे रिटेलिएट नहीं किया उसने तुम्हारा पंच खा के कि मैं लड़की ने पंच कैसे मारा मैं भी मारूं, नहीं कुछ नहीं का हाँ। बस भागने वो भागने लगे, मैं चिल्लाई वो भागने लगे, उन्होंने सोचा होगा कौन लड़की है जिन्होंने जिसने पिस्टल ऐसे खींची जी, और काफी गोल्ड्स की थी, मैं मोबाइल थे, अब हर चीज एक बहुत मुश्किल से इंसान लेता है, तो मैं कैसे दे देती, वाह मैं तो ले दिया। सबको टाइकोंडो सीखना चाहिए ताकि हमें पता चले कि सेल्फ डिफेंस, मेंटली तौर पे इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर हाँ। हम हर चीज के मुकाबला कर ही लेते हैं, मुकाबला कर लेते हैं। और भाई हम भी बड़े मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं क्योंकि हमें जैसे ही कहा जाता है हम वैसे ही ब्रेक ले लेते हैं, तो एक ब्रेक फिर हम वापस आते हैं। वेलकम बैक, हमारे साथ बड़ी ही मोटिवेशनल पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, हमारी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं तो हमारे साथ क्रिकेटर हैं, हमारे साथ बॉक्सर हैं, फुटबॉलर हैं, हॉकी प्लेयर हैं, टाइकोंडो चैम्पियन हैं, तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चैम्पियनशिप्स में इन्होंने पाकिस्तान में भी पार्ट लिया है, और जब क्रिकेट की हम ऑब्वियसली बात करते हैं तो वो इंटरनेशनली भी इनको मौका मिला है और इनके एक्सपीरियंसेस हैं जो इन्होंने शेयर किए। हमारी कॉलर शाजिया ने एक बात पूछी थी कि भाई वो कौन सी ऐसी चीज़ है, मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी ऐसी टिप है जो आपको मोटिवेटेड भी रखती है और जो आप बाकी सब लड़कियों को भी बताना चाहती हो कि ऐसा करो या आया ऐसा ना करो। आपसे शुरू करते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि चैनल किस तरह से आप फाइंड आउट करें ना, तो आजकल सोशल नेटवर्किंग का दौर है, बहुत आसान है कि आप अगर आपने क्रिकेट में आना है, अगर आपने क्रिकेट में आना है तो आप एक फेसबुक पे भी काफ़ी पेजेस बने हुए हैं विमेन स्पोर्ट्स के। अच्छा। और इसके अलावा भी ऑफिशियल वेबसाइट है पीसीबी की, उसमें बकायदा विमेन विंग का पोर्टल बना हुआ है, उसमें सारा अपडेट होता रहता है कब कौन से ट्रायल होने हैं, कब कौन सी जोनल या डिस्ट्रिक्ट मैचेस वगैरह सब होने हैं, तो वो उसमें अपडेट होता रहता है। मज़ीद आप जानना चाह रहे हैं तो उसमें नंबर भी एड्रेस भी होता है विमेन विंग का, उसमें आप कॉन्टेक्ट करें अपने रिस्पेक्टिव रीजन जो रीजनल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका आप नंबर लें, उनको कॉन्टेक्ट करें। रीजनल रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी होती है कि वो आपको गाइड करे कि आप कहाँ आके ट्रायल दे सकती हैं, कब ट्रायल होने, और आप वैसे भी प्रैक्टिस करना चाह रही हैं तो वो आपको गाइड कर देंगी कि फलां फलां एकेडमी है, आप वहाँ जाके अपने आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। इसके अलावा मेहनत है आपका, अगर शौक है तो आप मेहनत करें, उसमें जिम करें, रनिंग करें, अगर ट्रायल हो उसमें आके आप अपनी प्रैक्टिस वैसे करती हैं, आप तो काफ़ी एकेडमीज हैं, प्राइवेट एकेडमीज भी, मगर बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना जहाँ दिल हार जाते हैं लोग, तो उस पर क्या करें जब दिल हार रहा हो। हमने भी बड़े, हमारे भी बड़े दिल टूटे, ऑब्वियसली ये लोग सब इनके सब हाँ, दिल टूटे जानना चाह रही हूँ। और लेकिन दिल टूटा तो क्या किया, मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप खुद ही गिव अप कर दें कि नहीं अब हाँ। तो नहीं खेलना, हाथ हटा दें, तो वो तो ऑब्वियसली आपको फिर कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती और आप वहाँ पर होते हैं तो फोकस रहें, अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें, प्रैक्टिस हार्ड, जब आप ऑफ सीज़न हो उसमें अपना जिम करिए, वही कैंप से आते हैं वापस आके फिर अपनी वही दूसरी लाइफ। अब जैसे मैंने भी किया, जब मैं एमएससी कर रही थी सुबह जिम होता था, दोपहर में प्रैक्टिस, और शाम की यूनिवर्सिटी थी मेरी, मैंने शाम में एडमिशन लिया हुआ था, सो हैक्टिक था लेकिन उसको कैरी ऑन करना पड़ा मुझे, तो कैरी ऑन किया। सो एक मोटिवेशन होती है, वो तो अब खुद पे डिपेंड करती है, जितना आपका शौक है आप उसे, लेकिन ये कि हाँ पंप अप रहें, कोई ऐसी बात नहीं, अगर नहीं होता नेक्स्ट टाइम आपका चांस लग जाएगा, लग ही जाएगा मेहनत करेंगे जी। अगर पहले, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि जज्बा होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, और पहले तो, और दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत बड़ी सपोर्ट पेरेंट्स की होती है तो ही लड़कियाँ आगे आ सकती हैं, लड़कों का इतना मसला नहीं होता, जब पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो लड़कियाँ आएंगी आगे स्पोर्ट में। और एक खुद में भी एक जज्बा होता है ना, जील होता है खुद में कि नहीं मुझे आगे आना है, मुझे मैं अपने हिसाब से बोलूं कि मुझे बॉक्सिंग करनी है,
जब हमारे क्लब में बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं तो किसी के पेरेंट्स ने कहा कि नहीं तुम लोग मुँह तोड़वाओगे, तुम लोग ये, तुम लोग वो, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन जब खुद में एक हो जाता है कि नहीं मैं अभी बॉक्सिंग मुझे करनी है तो मुझे बॉक्सिंग ही करनी है, चाहे कोई और स्पोर्ट, जैसी बात है अगर हमें इतना कॉन्फिडेंस है, हम लोग यहाँ स्पोर्ट में हमें बहुत तरक्की हुई है, हम लोग बहुत अब तक गए हैं। और इसी तरह और भी बहुत लड़कियाँ होंगी जिनमें बहुत हुनर होगा, वो बहुत सलाहियतों से भरपूर होंगी। तो जैसे पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चियों को सपोर्ट करें, उनको वो आगे लें, और अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो कई जगह ऐसा होता है कि लड़कियों को खुद को इंटरेस्ट नहीं होता, इस तरह भी होता है। तो जितना खुद को इंटरेस्ट होगा, हम जितनी मेहनत करेंगे हम इतना ही आगे बढ़ेंगे। और कितनी दफा हाथ टूटते हैं? नहीं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो हाथ नहीं टूटा। जो लोग बॉक्सिंग करती हैं आके उनका कभी कुछ हुआ? जी, अगर पंच हम लोग गलत चलाते हैं पूरा इस तरह, तो थोड़ा इंजरीज का प्रॉब्लम हो जाता है, इससे और कोई मसला नहीं, ज्यादा मसला नहीं होता। और तो जैसे पता है डायरेक्ट हम थोड़ी ना फाइटिंग कर लेते हैं, पहले हम लोग सीखते हैं, पहले ट्रेन होते हैं, उसके बाद हम लोग फाइटिंग करते हैं। ओके, आप बताइए। मेरा यही इनको जवाब दूंगी कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, वैसे भी अगर कोई आपके ड्रीम्स हैं तो सब में पहले उसके लिए पैशन, आप में पैशन होना चाहिए उसके लिए कि आप करना चाहती हैं, आपका पहले खुद माइंड सेट हो कि हाँ मुझे ये करना है। ये नहीं कि आपको भाई ने बोल दिया कि नहीं जी आप घर में बैठो, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, शादी तो करनी है। आपका पहले माइंड सेट हो कि मेरा ये ड्रीम है, मेरा गोल है जी, मुझे करना है, तो आप कर सकते हो कुछ, वरना कुछ भी नहीं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई भी दूसरा हो। मुझे बचपन में, मैं बता रही हूँ अपना, मैं आपको शेयर करती हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्पोर्ट्स हमारे यहाँ होता है, विमेंस भी खेलती हैं या बाहर जाती हैं। तो घर में ऐसे ही इधर उधर कूद रहे हैं, दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, साइकिलिंग हो रही है, बहुत बहुत बहुत। तो फिर उसके बाद जैसे स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ में जाके पता चला, तो पहली बात आपके पास सपोर्ट होनी चाहिए। जो आई थिंक हर लड़की को हमारी कंट्री में फ़ाइट करनी पड़ती है, किसी के पास वो फैमिली में नहीं मिलती, बहुत कम से बहुत लकी गर्ल्स हैं जिनके पास फैमिली सपोर्ट होती है। इसी तरह मुझे भी फ़ाइट करना पड़ा पहले, और सपोर्ट में ज़्यादा किस से घर में फ़ाइट करना पड़ा? भाई से, भाइयों से, हाँ तो वो, लेकिन मुझे उनसे वो नहीं होता था क्योंकि मेरे फादर, मेरी मदर मेरे साथ है, उनकी जब सपोर्ट मेरे साथ ही तो मैं नहीं रुकी। और एक और चीज़, आपके पास अगर आपके पास पैशन है, आपका माइंड सेट है कि आपने ये करना है, तो एक आपके पास ब्लेसिंग होंगी, वो हर एक के पास नहीं होती, आपके पास एक गाइडर होना चाहिए जो आपको गाइड करे कि जी आपने रुखसार, अब आप जैसे मैं, मेरे पास गाइडर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जो कोच हैं वो इतनी अच्छी गाइडर हैं कि उनके आने के बाद आई हैव बिकम इंडिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ। मेरे पास अपनी प्राइवेट जॉब है, अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब। अरे वाह। हाँ, उसके बाद आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स, क्योंकि बीए करके हमारे ये बीए हो गया जी, बस लड़की की पढ़ाई ख़त्म, मोटिवेशन नहीं है, गाइडेंस, अम्मी ने काफ़ी कहा कि पढ़ना है वो, फिर एक आपका स्पोर्ट्स में आगे ना खुद भी आप वो लेजी हो जाते हो, नहीं नहीं पढ़ना क्या, खेलना है, वो उतना मज़ा आ रहा होता है, उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आप खुद दिल आपका वो जाता है। लेकिन फिर आप, आपके पास एक गाइडर होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। तो वहाँ से मेरी अम्मी की भी, फिर आप जब अपने होते हैं ना, आप लोग नहीं सुनते, मतलब वो एक मिसाल देने की अपनों की कदर नहीं होती जब चीज़ होती है। तो लेकिन मेरी कोच ने मुझे इतना पुश किया कि नहीं रुखसार, तुम बीए ये कोई वो है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। तो वहाँ से मैंने एडमिशन लिया कराची यूनिवर्सिटी में, सुबह जॉब, शाम फिर दोपहर में ये होता था ट्रेनिंग सेशन है हमारा, फिर शाम में इवनिंग क्लासेस। एंड आई माशाल्लाह आई पास आउट इन फर्स्ट डिवीजन आल्सो। ये भी नहीं कि आप स्पोर्ट्स है तो आप पढ़ाई को छोड़ दो, तो सब चीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है, ये ताकि आपकी ना फैमिली नाराज हो ना आपके, और वो आपके लिए बड़ा अच्छा है, ये तमाम चीजें। हाँ जी, आप बताएं, अभी तो आगे पूरा प्रोफेशनल स्टडीज बाकी है। बिल्कुल, पेरेंट का सपोर्ट हो तो कोई काम भी। ऐसे मेरे अब्बू को नहीं पता था मैं पहले खेलती हूँ, मेरे अब्बू को पता था कि बस टांग टूट जाएगा, ये हो जाएगा, गिर जाओगी, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अम्मी ज़्यादा सपोर्ट करती थी, अम्मी कहती छोड़ दो, मैं संभाल लूँगी। मैंने कहा चले ठीक है आप पे, अम्मी कहती थी बस अपने अब्बू का भरोसा नहीं तोड़ना। खेलते गए आगे, जब अब बिल्कुल इंटरनेशनल खेलने लगा, अब नेशनल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अब्बू को बताया, उन्होंने कहा बस तुम्हारा है कि तुम पैर ना तोड़ लो। हॉकी इतनी बड़ी चीज़ें, बहुत चीज़ें लग जाती है बिल्कुल, या मार देते जान बूझ कर, तो बहुत चीज़ें जो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद। तो वहाँ कहते मुझसे ज़्यादा, तुमसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होगी अगर। तो मैंने जैसे बताया उन्हें, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है खेलो, ठीक है, उन्होंने इजाज़त मुझे इस दफ़ा दे दी। अगर लड़कियाँ ज़्यादा होती ना, नहीं मिल रहा है ज़्यादा, छोड़ देती हैं, पीछे हट जाती हैं, पीछे मत हटो, आगे बढ़ो, और अपने पीछे जो भाई बहन है उनको भी बढ़ाओ। बहुत सी लड़कियाँ ये नहीं करती हैं, छोड़ दिया, अम्मी ने इजाज़त नहीं दी, अबू ने इजाज़त नहीं दिया, लड़ना पड़ता है हर चीज़ के लिए, प्रूफ करना पड़ता है, बिल्कुल प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को कि मैं बिल्कुल फिट हूँ इसके लिए, इस काम के लिए मैं कर सकती हूँ इसको। और बहुत अच्छी बात है अगर कोच अच्छे मिले तो,
बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमारी कोच बहुत हमें आगे ना बढ़ने के लिए बताने के लिए, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये चीज़ करना है। मिसमाया मोइन हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। ससगीर ने हमें बुलाया अपने अकेडमी, उन्होंने अपने अकेडमी में फ्री ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हमें दिया, पूरी फैसिलिटीज वगैरह सब हमें दिया उन्होंने। तो ये क्रेडिट खैर इन सब लोगों को भी जाता है जिन्होंने इतना आप लोगों को फैसिलिटेट किया। एक कॉलर है, उसके बाद आप बताएं भाई। टाइकोंडो मास्टर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। ये मैं आज देख रहा है आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और जिस किस्म के ये देखें हम न्यूज़ सुनते हैं उसमें उल्टी सीधी खबरें होती हैं, लेकिन ये जो आप प्रोग्राम दिखा रहे होते हैं इसमें हमें बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान में इस किस्म का भी टैलेंट पड़ा हुआ बिल्कुल, है बिल्कुल, जो क्या नाम है हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। और ये आपके चैनल की तवज्जो से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा है ताकि लोगों को पता चलता है। और आज ये माशाल्लाह पांच फूल नहीं है, नुसरत बहन आपको तकरीबन 7-8 साल से मैं इस चैनल पर देख रहा हूँ, तो आप माता छठा फूल आप भी हैं इसमें। अच्छा शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका। इस बात पे मेरे कान में बड़ी सारी आवाजें आईं। बेला चमेली गुलाब हाँ सारे फूल हैं इधर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने हम सबके लिए अप्रिसिएशन और इतने अच्छे अल्फाज कहे। हाँ जी आप बताइए, अब क्या चीज़ जो है आपको मोटिवेटेड रखती है और कोई कुछ भी करने की कोशिश करें आपने बस फोकस्ड रहना है तमाम और लड़कियों के लिए? लगन बस। अगर आप ये कर लें कि आपने ये करना है वो कुछ भी हो जाए आपने कर लें, जैसे भी आपने आप वो काम कर लेंगी जो आप करना चाहती हैं, अगर आपके दिल में लगन हो और आपका माइंड एक ही तरफ हो कि मुझे ये करना है। कॉन्सेंट्रेशन तो मैं घर वालों को मनाना पड़ा, अम्मी को बस मनाना पड़ा, अब्बू तो शायद डेथ हो गई थी। अच्छा। जब मैं छुट्टी थी तो अम्मी ने सब कुछ किया। हाँ। अम्मी नहीं चाह रही थी कि मैं फाइट करूँ या कि नहीं वो टूट जाएगा ये हो जाएगा। हाँ ये बस बताओ भाई, आजकल तो डर्मेटोलॉजी का कॉस्मेटोलॉजी का दौर है, लोग गोरे हो रहे हैं, लंबे बाल कर रहे हैं, लोगों की तो ख्वाहिश ही है लड़कियों की कौन कौन से प्रोडक्ट्स। आप लोग ग्राउंड में जाके खेलते हैं, आप लोग मुंह तोड़वाने के लिए बैठे हैं, आप लोग बॉल खाने के लिए बैठे हैं, ऑलरेडी टूट गए। अच्छा चेहरे पे भी, फिर जाहिर है फुटबॉलर हैं, चेहरे पे बॉल लग सकती है कुछ भी। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये वाला हिस्सा है, बाकी हिस्से भी हैं लेकिन ये वाला जो हिस्सा पंच मार दे, कोई हॉकी मार दे, कोई गलत दाव मार दे, क्या करेंगे? नहीं बस किक मार के जरूर फोड़ा है सबको। हाँ। सबको मुंह तोड़ा है, सबको मुंह तोड़ा है, नोज से ब्लडिंग होने शुरू हो गई, इस तरह से हुआ है फाइट पे। अपने लिए क्या, अगर खुदा ना खास्ता अपना ऐसे चेहरा रंग खराब हो जाए, बाल खराब हो जाए, फीलिंग आती है इसकी कोई? वो तो चले रिकवर हो सकता है, लेकिन जो इंजरीज होती हैं दूसरी। हाँ। काफी बार मुझे हार्ड बॉल लगी है, उससे स्टिचेस वगैरह भी आए हैं हाथ में, 3-4 बार इस तरह से हो चुका है कि हाथ में उंगली का जो गैप होता है वो फट गया था, सो स्टिचेस वगैरह कहाँ कहाँ है, यहाँ पे हाथ में सर आते रहते हैं। और वैसे आते रहते हैं स्टिचेस का क्या है, आते रहते हैं अब तो खैर अब माशाल्लाह अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कि हाँ चोटें वगैरह लगती हैं अब। ये कि खुद भी आ गया है कि किस तरह से करना है, सो अब इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, लेकिन शुरू में बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, रंग बहुत जलता है, ये बहुत प्रॉब्लम होती है, बाल बहुत खराब होते हैं, वो भी तो क्या घर में आके सुननी पड़ती होगी ना अम्मी से, देखो रंग कैसा हो, खुद एहतियात करनी पड़ती है। हाँ। शाम में ट्रेनिंग करें, कुछ ऐसा ऐसे करें सुबह। हाँ। के वक्तों में आपकी तो स्किन मुझे बहुत अच्छी लग रही है वैसे। अभी मैं आजकल तो ब्रेक लिया हुआ इसलिए मुझे अच्छी लग रही है। ओके आप बताएं भाई, दांत टूट गया खुदा ना खास्ता आप लोगों का तो चेहरा ही इन्वॉल्व है। हाँ ये लगा देंगी बताए, नहीं नहीं अल्लाह ना करे कभी दांत टूटे। हाँ इंशाल्लाह आमीन। ये सेंसिटिव हो गई इस बारे में। हाँ भाई इसने अब रियलाइज किया, आज तक इसने सोचा नहीं था। अगर मैं सेंसिटिव हो जाती तो मैं बॉक्सिंग कभी ज्वाइन ही नहीं करती, क्योंकि ये तो पंच ही मुंह पे पड़ते हैं। और जैसे तुम्हें ये ख्याल कभी आता है, ऐसे होता है ना कि फीलिंग इंसान को होती है कि भाई अब ये मेरा ये मुंह ना खराब हो जाए या नहीं, ये उसके जाए, लिए गलत चोट ना लग गार्ड जाए। दिए गए होते हैं ना जैसे हाँ वो सब तो होता है, गार्ड होते हैं, प्रोटेक्टर्स होते हैं जी, और ये पहन के अगर हम लोग फाइट करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर मुंह खुला हो और पंच अगर लग जाए, और दो एक पंच लगा था 2 दिन पहले तो नाक में थोड़ा दर्द था, फिर मैंने थोड़ा मसाज वसाज करवा लिया तो उससे कोई मसला नहीं, हो जाता है, सही हो जाता है
और वैसे भी रोज सुबह फाइट होती है और वैसे भी रोज सुबह फाइट होती है। जो हमारे क्लब में बॉयज भी ट्रेनिंग करते हैं वो जो मुझसे ज्यादा सीनियर है तो उनके सामने रोज सुबह के टाइम फाइट करते हैं। अच्छा, तो जैसे वो मारेंगे तभी मेरी आंखें खुलेंगी। सारे बॉक्सर हैं, कभी आपस में लड़ाइयां बहन भाइयों की बड़ी होती हैं, आपस में बॉक्सिंग शुरू कर देते हो? नहीं, इतना अलाउ नहीं था आपस में। हाँ? मार पिटाई नहीं होती। अच्छा, वैसी जबानी कलामी बॉक्सिंग होती है, है? बस उतनी, क्योंकि पता है सारे बॉक्सर हैं, किसी का भी पंच लग सकता है। जी। अच्छा जी, आप बताइए भाई। नहीं, डर तो आई थिंक बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस का डर कि मेरे ये चीज खराब हो जाएगी, बाल खराब हो जाएंगे, चेहरा खराब हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मैंने बड़ा सोचा था। हाँ, बड़ा डर लगता है वैसे। इस मामले में तो नो ए प्रकृति, बाकी वो बड़ा डर लगता था, बहुत मोटे ही ना लगते हैं। फुटबॉलर ऐसे भी है माशाल्लाह, जो आप देखें तो लगेगा नहीं है फुटबॉलर है, वही रंग वही बाल। फिर आप वो एक लड़कियों का अपना भी शौक होता है कि नहीं मुझे खराब ना हो जाए, स्किन ना जल जाए, तो खुद इतना केयर करती हैं तो उनको कुछ भी नहीं होता है। आप लोग बताइए। बिल्कुल, बॉल से ज्यादातर डर लगता है, वो कहाँ से हिट आती है बिल्कुल कुछ पता नहीं होता, हिट नीचे से आ रही है, ऊपर से बॉल से बचना भी हो, हॉकी से भी बचना है क्योंकि वो बिल्कुल तो प्यारे चेहरे की फिक्र होती है बहुत ज्यादा होती है। मगर मगर ये अभी दो दिन पहले जो जब लगती है तो काफी बहुत तेज लगती है बॉल। अभी हिट मेरी फ्रेंड को लगा था तो उसकी उंगली की हड्डी टूट गई फौरन ही बॉल बिल्कुल हिट पे, मगर आगे पीछे होते हैं, मगर मुझे कभी बॉल नहीं लगी, कभी मैं किसी के हॉकी से लग कर नहीं गिरी। Okay. ये हो गया, कभी नहीं लगी कि बॉल किसी की पिट आई हो। मैं क्रिकेट में फ्रैक्चर्स, हेयरलाइन फ्रैक्चर्स तो आम है, मतलब वो आपको एनी टाइम हो सकते हैं और आपको बाद में पता चलता है आपको हेयरलाइन था जब वो हील हो चुका होता है। आप भाई लोगों की नाक से तो खून निकाल दिया, अपनी नाक के लिए भी तैयारी रहती है, डर रहता है? सेफ रखती हूं अपने आप। सेफ रखती हूं? जी। हाँ, क्रिकेट का लेवल 1 जब मैंने किया था तो वो हार्ड बॉल से प्रैक्टिस करवाए थे सर, तो उससे थोड़ा डर लगता था लेकिन फिर एक आदत पड़ गई थी। आदत पड़ गई जी। तो माशाल्लाह आप लोग बहुत स्ट्रांग हो गए। और देखो, एक एक पहलू ये भी है, मैं कहना चाहती हूँ, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो रहा है, आप सबका बहुत शुक्रिया और हम अपनी नेक तमन्नाएं और दुआओं के साथ आप लोगों को यहाँ से अलविदा कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आप आइए और अचीवमेंट्स के साथ आइए, इसी तरह रोल मॉडल बनिए, इसी तरह इंस्पिरेशन बनिए। लेकिन वो जो बात कही जाती है ना कि स्पोर्ट्स एंड आर्ट की वजह से लोगों में से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, वो उनको स्ट्रेंथ देती है, वो मुझे आप लोगों को देख के नज़र आया। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आप लोग बहुत यंग हैं, बहुत आगे जाने की आपकी ख्वाहिश है, तो हमारी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। कुछ जाते जाते एक एक लाइन अगर कहनी हो, अगस्त का महीना, टाइम खत्म हो गया, ओह टाइम खत्म हो गया। तो भाई आप लोग भी वीडियो मैसेज ही करिएगा हमें, ठीक है? फिर हम वो चलाएंगे। वीडियो मैसेज का नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो ही आपका मैसेज हम बाकी सबको सुनवाएंगे, आप लोग भी कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, विश यू ऑल द लक वंस अगेन, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।